नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष तंत्र पर। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं अगस्त के महीने में संतान प्राप्ति के लिए गर्भधारण की क्या डेट होंगी, या हम कह सकते हैं कि गर्भाधान संस्कार के लिए या ट्राई करने के लिए क्या डेट होंगी। तो ये जो वीडियो बेस्ड है केवल शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर बेस्ड हैं, और इसमें हमने तिथि का विचार भी किया है। इसमें हमने किसी होरा या लगन या किसी मुहूर्त का विचार नहीं किया है। सबसे पहले जानते हैं कि जो 1 अगस्त की जो डेट पड़ रही है वो सोमवार की पड़ रही है, उस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, ठीक है। तो अगर हम सावन की बात करें, सावन जो मास है जिसमें भगवान शिव की भक्ति होती है, तो वो चलेगा 12 अगस्त तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूर्णिमा आ रही है 12 अगस्त की। तो इससे पहले कोई भी डेट नहीं है अगस्त में संतान प्राप्ति के लिए, गर्भधारण के लिए कोई भी डेट नहीं है, क्योंकि इस महीने में हम कंसीव नहीं कर सकते। कंसीव करने की तो बात ही अलग है, क्योंकि संतान प्राप्ति तो एक प्रकार का यज्ञ है। नॉर्मली मैथुन भी हमें श्रवण मास में या सावन मास में नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक तिथि घट गई है, क्योंकि पूर्णिमा 12 तारीख की है, तो 13 को दूसरी तिथि पड़ी है, द्वितीय तिथि पड़ी है, तो पड़वा जो है प्रथम तिथि वो घट गई है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं ये कृष्ण पक्ष की है, जो 13 अगस्त है ये कृष्ण पक्ष में आ चुकी है, तो इसमें हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय तिथि है और द्वितीय तिथि में चंद्रमा की स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं होती है। तृतीय को ट्राई कर सकते हैं, चतुर्थी को ट्राई कर सकते हैं, पंचमी को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा जो है वो घटना शुरू हो जाता है, धीरे 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 वो घटना शुरू हो जाता है, और यहाँ जो है अमावस्या तक बिल्कुल डेड, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, इसकी कलाएँ समाप्त हो जाती हैं, इसमें कोई रोशनी नहीं होती, ठीक है। तो अमावस्या तक अब कोई डेट नहीं है। हम देखते हैं 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त, ये 4 डेट आई हैं अगस्त के महीने में, ठीक है। अमावस्या के बाद में प्रतिपदा है, प्रतिपदा को ट्राई नहीं कर सकते। शुक्ल पक्ष है, यहाँ पे चंद्रमा भी बहुत कमज़ोर है, ठीक है, तो यहाँ हम ट्राई नहीं कर सकते। केवल यहाँ पे 4 डेट आई हैं, 13, 14, 15 और 16। गर्भधारण के लिए केवल यही 4 दिन श्रेष्ठ हैं तिथि के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें हमने किसी लगन होरा या हम कह सकते हैं किसी मुहूर्त का विचार नहीं किया है। अगर किसी के साथ में प्रॉब्लम हो जाती है कि हर मंथ उनका जो है जो पीरियड है, जो मासिक धर्म है, वो ऐसी तिथि को पड़ता है जिसमें चंद्रमा की स्थिति बहुत अधिक कमज़ोर होती है, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो उन्हें जो है चंद्रमा के उपाय पहले कर लेने चाहिए, उसके बाद जो है ट्राई करना चाहिए, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए या गर्भधारण के लिए चंद्रमा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या तो गर्भधारण नहीं होता है, या फिर जो है आपको अच्छी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वो संतान जो है मानसिक परेशानियां खुद भी झेलती है और माता पिता को भी देती है। इस अगस्त के महीने में मैंने केवल तिथि का और पक्ष का विचार किया है, इसमें मैंने किसी त्यौहार का भी विचार नहीं किया है, वो आप देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई जैन धर्म से है, कोई मुस्लिम धर्म से है, या किसी और धर्म से है, वो इन त्यौहारों को नहीं मानते, या इन्हें इतना पवित्र नहीं मानते, या इनका कोई विचार नहीं करते, तो वो इन्हें अवॉइड नहीं करते हैं,
और वो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो त्यौहार आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं विदा लेते हैं, नमस्कार।